नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि थाना कोतवाली या फिर SP ऑफिस के माध्यम से बनवाया जाता है, उसके लिए एक चालान जमा करना होता है। चालान यहाँ पर SB ऑफिस से अगर आप करवाना चाहते हो तो उसकी फीस अलग रहती है, और थाना कोतवाली से अगर करवाना चाहते हो तो उसकी फीस अलग रहती है। यहाँ पर कहाँ से आपको चालान जमा करना है, किस वेबसाइट के थ्रू चालान जमा होगा, और यहाँ पर कितने तरह के चालान जमा किए जाते हैं, किस अकाउंट में आपको पेमेंट डालनी है, पूरी प्रोसेस मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने अपने ब्राउजर पर गूगल ओपन कर लिया है। गूगल पर सिंपली आपको सर्च कर देना है साइबर ट्रेजरी। जैसे ही हम यहाँ पर साइबर ट्रेजरी सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिंक आ जाएगी www.mptreasury.org.com। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक किए देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा देखा हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं सिंपली इंग्लिश पर क्लिक कर कंटिन्यू बटन पर क्लिक किए देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट डिपार्टमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर साइबर ट्रेजरी के माध्यम से यहाँ पर कई तरह की ऐसी रिसीट चालान काटे जाते हैं जो कि सभी विभागों में लगभग काम में आते हैं, जैसे कि न्यायालय से रिलेटेड, या फिर भूमि खसरा नकल से रिलेटेड, या फिर परिवर्तन जमीन नई अगर आपने खरीदी है या फिर बंटवारा करवाया है इससे रिलेटेड, या फिर किसी भी तरह के केस से रिलेटेड, या फिर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर कॉलेज से रिलेटेड, या फिर आपके विलेज से रिलेटेड, या फिर आपके पंचायत से रिलेटेड, यहाँ पर कई तरह के ऐसे चालान काटे जाते हैं, उन्हीं के यहाँ पर आपको कॉलम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए अगर आप कोर्ट से रिलेटेड या फिर जमीन जायदाद से रिलेटेड किसी भी तरह का केस का आप चालान कटवाना चाहते हो तो यहाँ पर रिवेन्यू में आपको जाना है, ठीक है ना। और अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, चालान कटवाना चाहते हो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, तो यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दिया गया है अदर डिपार्टमेंट। तो आपको इस बटन को क्लिक करना है, इस लिंक को क्लिक करना है, ठीक है ना। दोस्तों आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप किस तरह का चालान कटवाना चाहते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। लेकिन इससे पहले आपको कमेंट करना होगा कि आप किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हो और किस टाइप के चालान को कटवाना चाहते हो, तभी मैं आपको समझ पाऊंगा और यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूंगा। तो यहाँ पर देखिए अदर डिपार्टमेंट में मैं क्लिक किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसका हमें चालान कटवाना है, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर अदर डिपार्टमेंट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट में सिंपली आपको यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको कौन सा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, होम डिपार्टमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर आपको होम डिपार्टमेंट का ऑप्शंस मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट की लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है, उसे आप खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पर ऑफिस नेम में आप अपने जिले के थाना कोतवाली या फिर SP ऑफिस जहाँ से भी आप कटवाना चाहते हो वहां का नाम डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर डीलर नेम, तो यहाँ पर जिसके नाम पर भी चरित्र प्रमाण पत्र या फिर पुलिस वेरिफिकेशन का चालान कटवाना है उसका नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पर एड्रेस डालना मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी देना जरूरी है। ईमेल आईडी देने के बाद दोस्तों मेन चीज होती है यहाँ पर अकाउंट में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस अकाउंट को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको 00055-00-105-0000 रिसीप्ट ऑफ स्टेट हेडक्वार्टर्स पुलिस, यहाँ पर इस चीज को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी अकाउंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर पुलिस अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए रुपीज में मैं आपको बता दूं कि देखिए दो जगह से आपको कटवा सकते हो आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन का चालान, पहला SP ऑफिस पे, दूसरा आप अपने थाना कोतवाली से।
अगर थाना कोतवाली से अगर आप कटवा रहे हो तो यहाँ पर 100 रुपए का चालान कटेगा, और अगर एसपी ऑफिस के माध्यम से आप अपना चालान कटवाना चाहते हो तो 200 रुपए का। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है सेंस सीजन, तो यहाँ पर आपको 2021-20 जो भी आपकी चल रही हो उसे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है, जो भी आप मंथ जिस भी मंथ में फीस सबमिट कर रहे हो उस मंथ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर बैंक टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जिस भी बैंक से आप पेमेंट करने जा रहे हो उस बैंक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए यूनियन बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है, या फिर SBI की नेट बैंकिंग है, या फिर किसी और तरह का आपका आपके पास डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर अदर बैंक डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, अदर बैंक डेबिट कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको एक छोटा सा कैप्चर भरना हो, कैप्चर भरने के बाद कन्फर्म हो जाएगा तो आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर लीजिएगा और साइबर ट्रेजरी की आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी, चालान की रिसिप्ट कटकर आपके पास आ जाएगी जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चालान कटवाना है आपका पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या आती है या फिर आप किसी और तरह का चालान कटवाना चाहते हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।